श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री निजानंद स्वामी की जय श्री प्राणनाथ प्यारे की जय अंगारस श्री कृष्ण कन्हैया लाल की पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का श्रृंगार चल रहा है अक्षराते धाम धनी श्रीराज जी उनके संदर्भ में कहा कि देखो ये सब परम धाम के अंग हैं और उनके वस्त्र और अब आभूषण वगैरह भी आएंगे तो उनके वस्त्र आभूषण है तो परमधाम के अंग है तो राज्य का स्वरूप नित्य नौवन नित्य यौवन ऐसा लगता है तो वो बता रहे हैं आप कहते हैं श्वेत जामा अंग लग रहा उनके अंग में श्वेत रंग का जामा है श्वेत सफेद रंग को जामा ऐसा बताते हैं नीह चूड़ी बनी दो बाहें तो दोनों बाजू में तो यहाँ पर तो उसके उस बारिकदार चूड़ी चूड़ी का तात्पर्य क्या है कि ये किनारे पर वो पट्टा जैसा है तो उसे को किनारा ना तो जैसे मोड़ते हैं तो उसमें वो लताएं वगैरह अलग अलग उसके भरत काम है तो उसके हिसाब से तो उसको चूड़ी बोलते हैं मी चूड़ी बनी दो बाहें दावन क्यों वर्णन करो इन अंग के जो आए अब राज्य का दावन का तात्पर्य दामन अंग वस्त्र तो दामन तो छेड़ा भी बोल देते हैं तो इस तरह से किनारे उसके लिए भी बोल देते हैं तो उसका क्या वर्णन करें ये तो अक्षरातीत के वस्त्र हैं और वर्णन करने के लिए जीवा है इस दुनिया की इन अंग के जीवाएँ तो इस नश्वर शरीर के जीवा के द्वारा उसका वर्णन कैसे हो सकता है वेर नकस दो बगलों दोनों बगलों बगल का तात्पर्य दोनों बाजू दोनों बाजू में भी विभिन्न प्रकार के लताएं वगैरह हैं और बाजू बंद है तो वो तो और सुंदर होता है चीन झलक मोहरी जड़ाव तो चीन बोलते हैं रेशम को तो मोहरी चीन झलक मोहरी जड़ाव तो उसमें मोहरी तो ये तो उसका वो जिसमें मोड़ उस वो ये नेफा वगैरह बोलते हैं ना तो उसका वो उनके पायजामा का तो उसके लिए भी वो होता है और ये मोहरा है तो ये उसका ये चूड़ी अथवा और ये जो कोने हैं यहाँ पर बांधते हैं तो तो उसके जो किनार होता है उसके लिए तो ऐसे में विभिन्न प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं नकश वेल गिरवान बंध है तो गिरवान तो अंग वस्त्र के लिए ही है तो उसका उसके बंधन जैसे तो यहाँ पर बांधते हैं तो जामा वो, वो बांधते हैं ना वो कसते हैं तो उस तरह से इस प्रकार का है तो वो गिरवान बंद नकस वेल गिरवान बंद तो ये गिरवान बंद उस प्रकार के पीछे अतंत बनु कटाव तो अब पृष्ठभाग में भी बड़े सुंदर वो उसको क्या बोलेंगे कढ़ाई का काम हुआ है ए देते देखाई रंग जबेर नकस कटाव वेली जर तो ये अलग अलग रंग के रत्न दिखाई देते हैं ये परमधाम के के आते हैं परमधाम के रत्न हैं तो उन्हीं से नक्काशी कटाव लताएं ऐसे ये सब उनसे ही हैं जरी सब परमधाम के रत्नों की है लगत नहीं हाथ को तो जैसे यहाँ पर कोई भी है किसी में भी ये देख लो कि इसमें भी ये जो भी ये बेलबूटे हैं जो भी उसमें है ऐसे तो करेंगे तो हाथ लगता है पता चलता है लेकिन तो ये धाम के उसमें पता नहीं चलेगा जैसे ये प्रिंटेड होता है तो उसमें पता नहीं चलता है ना तो उसमें वो प्रिंटेड नहीं है किंतु जो भी उसमें लगे हुए होते हैं तो सारे इतने कोमल होते हैं कि ऐसे हाथ में चुभते नहीं इसलिए पता नहीं चलता है ऐसा कहने का तात्पर्य हाँ रंग नंग धागा बराबर तो सारे रंग के रत्न है ना वो धागे के बराबर होते हैं तो इसलिए कुछ आगे पीछे होते ऐसे होते नहीं तो इसलिए चुभते नहीं है इजार रंग जो केशरी इजार है वो केशरी रंग का है तो पाए जामा झाई जामे में लेते तो वो जामा सफ़ेद है तो उस थोड़ा थोड़ा देखता भी उसकी चमक दिखाई देती है उसकी आभा तो ऐसा होता ही है अंदर जो भी है तो उसका बाहर के वस्त्र में असर थोड़ा पड़ता है तो उसकी बात कह रहे हैं दावन जड़ाव अति जगमगे तो ये दामन के जड़ाव तो ये के, के, उसके किनारे के उसमें अलग अलग रत्न जड़े हुए हैं तो बहुत ज़्यादा चमकते हैं रंग शोभे केसरी पर श्वेत तो केसरी के ऊपर के में श्वेत रंग है तो वो बड़ा सुशोभित लगता है नीले पीले बीच में जाए लेत रंग दोए तो ऊपर जो आ, अच्छा पट्टू का बांधा हुआ है तो न तो नीला है और न पीला है इस प्रकार तो कभी नीला दिखता है कभी पीला दिखता है तो उसको नीला भी नहीं बोल सकते पीला भी नहीं बोल सकते नीले पीले के बीच में झाई लेता रंग दो तो ये दो रंग तो उसमें बोल लेते हैं झाई लेते हैं उनके मतलब सफ़ेद रंग भी है और अंदर उसका केसरिया रंग भी है सो पटुका कम कमर बनया रंग कया सुंदर वाई सोए तो ऐसा पटुका नीला नीला भी नहीं पीला भी नहीं ऐसा रंग का पटुका कमर में बांधा हुआ है ऐसा सुंदर बाई ने कहा है सतगुरु ने इस प्रकार से बताया था जरी पटुका कटाव कई पटुका में कई प्रकार से जरी है उसमें सोने की सोने के तार की वो जरी होती है और उसके कई प्रकार के कटाव का तात्पर्य नकाशी ऐसे अलग अलग प्रकार के बेल बोटे वगैरह ऐसे बने हुए हैं कई नकश बेल किनारा कई ऐसे नकाशी भरत काम ऐसे लताएं वगैरह उनके किनार पर पांच पाने हीरे पोखरे कई रंग नंग झलक आ रहा उसमें पाच पन्ना हीरा उखराज ऐसे रत्न जड़े हुए हैं तो उनके भी अलग अलग प्रकार के अलग अलग रंग के ऐसे रत्न वगैरह उनकी भी झलक आती है झलकार मणि के लसनिया मणि रत्न ही रत्न के लिए मणि बोलते हैं मणि माणिक लसनिया माणिक और लसनिया लसनिया वैधुर्य मणि होता है माणी के और वही धीरे मणि और नीलवी तो इनके कहीं कहीं गोल गोल मणि का तात्पर्य गोल गोल ऐसे बने हैं अतंत उद्योतकार तो वो भी बड़े चमकते हैं फूल पात वेल नकस ऐसे फूल पत्ते लताएं ऐ ए, ए नक्काशी तो वो सब ऐसे उनके नकाशी ऐसे चित्रकारी है ए ज्योतन छेड़ो सुमार तो इनसे जो प्रकाश निकलता है तो वो छेड़ों से किनार पर तो उनमें उन उनसे जो प्रकाश निकलता है उनका कोई पारावार नहीं है हे वस्त्र नंग नूर में नरमाई अतंत तो वस्त्र में वो हेम कि ये सोने के तार जड़े हुए हैं, और विभिन्न प्रकार के नंग का तात्पर्य विभिन्न प्रकार के रत्न हैं। और उनसे प्रकाश निकलता है तो उन प्रकाश में भी नरमाई अत्यंत कोमलता दिखाई देती है तो एकदम चमक तमक ऐसे नहीं बड़ी सु... मिठास वाली आँखों को सुहाए ऐसी जो कोई चीज अर सके खुशबू अति बहकत परमधाम की जितनी भी वस्तुएँ होती है तो उनमें सुगंध महकती है बहुत ज़्यादा तो सारी चीज में सुगंध निकलता है प्रकाश में भी सुगंध होगा एक हार मोती एक नील भी अब गले में पहने हुए हार है उसकी बात कहते हैं एक मोती का हार है एक नीलमणि का है एक हार हीरों का और हार हीरों, हीरों का एक और हीरों का हार है एक हीरे का निश्चय सफेद हीरे हाँ बाकी तो ये नीलमणि है ये भी हीरा ही है तो ये नीले रंग का हीरा है एक हार लाल मानी का एक लाल हीरे का तो वो मानिक है तो उसका है एक लसनिया विवेक एक लस्निया का है इन हारों में दुग दुगी, इन हारों में दुग दुगी भी है दुग दुगी क्या है कि ऐसे थोड़े उसमें लटकन सी लटकन ऐसे लटकने वाली नहीं है किंतु इस इस प्रकार से ऐसे नीचे ऊपर नीचे ऊपर ऐसे झालर जैसी होती है ना तो वो दुख दुख कहते हैं हार में भी होता है और पाग में भी होता है कहीं भी हो सकता है किसी भी आभूषण में तो वो लगाते हैं ऐसे मणि जैसा वो तो कोई भी लगाए लेकिन क्या होता है कि वो किसी उसमें उस मानो एक आ, ऐसे मन का ही बहुत पतला कंठी जैसा तो उसका ही हो तो लेकिन उसको जो जड़ा हुआ है ना उसमें हार में जैसे इसमें है तो इसमें दूसरे अब ये ऐसे करेंगे तो इसमें ये देखेंगे कि ऐसे लटकते हुए उसमें ये जुड़े हुए इससे इसको जोड़ते हैं इससे इसको जोड़ते हैं तो उस तरह का वो होता है कई तो चैन से जोड़ते हैं तो इसमें अलग अलग रत्नों से जुड़ता है तो वो तो उसको बोलते हैं तो ये दुख तो ऐसा है इन हारों में दुग दुगी इन हारों में दुग दुगी है नूर नंग कयो न जाए उनसे जो प्रकाश निकलता है ना उनके रत्नों से उसका वर्णन नहीं कर सकते ज्योता अम्बरलों उठ के वो आकाश तक पहुंचता है और अवकाश रयो भरा है पूरे आकाश में उसकी ज्योति छा जाती है ये बता रहे हैं ठीक है इन पांचों हारों के फुम्भक तो ये पांच हार बताएं उनमें फुम्भक है तो पीछे न फूदने बोलते हैं वो बांध करके फिर जिसमें हार वो वो अंदर का धागा है ना उसको बांधते हैं और फिर पीछे लटकता है थोड़ा सा तो उसको फुमक बोलते हैं इन पांचों हारों के फुमक, तीन फुमक का पांचों रंग तो उनमें वो उनमें अलग अलग रंग हैं अलग अलग रंग के फुम्भक हैं वो भी रंग पांचों शोभे जुदे जुदे अलग अलग पांचों हार के वो अलग अलग रंग के के वो भी अलग अलग सुशोभित होते हैं जरी शोभित है। धागे संग तो धागा के साथ में जरी भी है तो धागा है रेशमी और वो भी उसमें सोना भी है तो सोने के तार भी है इस प्रकार से उसमें उसकी अलग शोभा है ये पांच रंग एक कंचना तो उसमें पांच प्रकार के रंग और उसमें एक कंजन तो पांचों धागे अलग अलग रंग के हैं और उन सब में एक सोना भी है सब में सोना भी है और वो अलग अलग रंग है ताकि बने जो बाजू बंद तो अब उसमें बाजू बंद तो हाथ में ये बाजूबंद होते हैं ना यहाँ बांधने वाले तो वो भी आ, वो पांच रंग का और उसमें शो, वो सोने के तार से बना हुआ और उसमें भी वो होता है बाजूबंद में भी रत्न होता है तो मानिक्य होता है फिर उसमें आ, वो हरित मणि होता है इस प्रकार से बड़ा सुंदर होता है इन जुआ शोभा क्यों कहूँ झूले फुंदना भली सनंद इन जुवा के से इसकी शोभा का वर्णन क्या करें झूले फुंदन भली सनंद तो वो फुंदन क्या है कि वो फूदन फुंदन बोलते हैं फूत फुद, तो लटकन सी होती है तो उनसे तो ये बाजू में भी तो वो लटकन सी लटकी हुई होती है तो उसका क्या वर्णन करें तो वो भी बड़ा सुंदर होता है दो ये पहुँची दो ये जीने सकी दो पहुँची हाथ में जो पहुँची है तो दो अलग अलग प्रकार की है मोती मानी कर, मोती पुखराज मणि माणिक मोती पुखराज उसमें गुल गुल मणि भी बने हुए हैं तो माणिक और पुखराज के हेम हीरा लसनिया नीलवी उसमें हेम है हीरा है लसनिया है नीलवी है दो पहुंची रही विराज तो इस प्रकार दोनों पहुंचे में ये सारे रत्न हैं एक पहुंची एक दुख और सात सात दुजी को एक पहुंची में दुग दुगी भी है दुख दुगी का मतलब तो ऐसे वो थोड़े से ऐसे वो झालर की तरह से बना देते हैं तो वो दुख भी होती है और सात सात दुझी को तो दोनों में ये सात सात रंग हैं, दो तो दो दोनों में मिला करके ऐसी दुख भी मिलेगी सो सातों जिनस जुदी जुदी वो सातों जिनस अलग अलग है आवतन उनका वर्णन भी अकल में नहीं आता है तो ये सात उसके पहुंचे की बात हो गई अब आगे उसके ये मुद्रिकाओं की बात करते हैं पांच पाने हीरे पोखरे मुद्री अंगुरियों सात सातों अंगूरियों में तो ये सात प्रकार के रत्न है तो सोना का अंगुली ये मुद्रिका व सोने की है उसको अब ऐसे सबको अंगूठी बोल देते हैं अंगूठी अंगूठे में होती है बाक़ी वो मुद्रिकाएँ होती हैं तो उसके लिए ये कहते हैं कि उसमें पा पाच है पन्ना है हीरा है पुखराज है फिर वो आगे कहेंगे नील भी मोती लसनिया नीलमढ़ी मोती और मणि तो ये सारे ऐसे मिले हुए होते हैं और उसमें जो मुद्रिकाएं है वो हेम की है धातु की है तो वो सोने की है उसमें ये रत्न अलग अलग लगे हुए हैं और फिर अब आठ अंगुली है तो सात ही रत्न बताए तो आठवां तो वो मानिक्य का है तो एक अंगूठी आठवीं तो अंगूठी की तरह से वो आठवीं है इसमें आठवां रत्न है अंगूठी की तरह से मुद्रिका ही है किंतु तो अंगूठी में जैसे मानिक जड़ा हुआ होता है ऐसे इसमें भी मानिक जड़ा ये कहने का मतलब शो शोभा लेता सब पर वो सबके ऊपर में इसकी शोभा और विशेष दिखाई देती है सोए एक मानिक के जुड़ी बैठे अंगूठे भरा, तो ये अब ये उसमें ये देख देखना तो ये अंगूठे में अंगूठी है तो वो मानिक्य की है और अंगूठी के साथ में जुड़ा हुआ एक तो ये इसमें बाया हाथ में कभी बाया में पहनेंगे कभी दाया में पहनेंगे तो उसमें एक रत्न है तो वो मुद्रिका में भी तो आ, आ, ये अंगूठे के साथ में अंगूठी के साथ में जुड़ा होता है तो उसमें तो वो माने के कई रत्न होता है तो वो कहना चाह रहे हैं जुड़ी बैठे अंगूठे भर तो इस प्रकार से तो अंगूठी और, और मुद्रिकाएँ इस प्रकार की है इन मुख नग ज्योत क्यों कहूँ कई कोट सूरज ढाप इन रत्नों की शोभा कितने बताएं उसमें तो करोड़ों सूर्य ढक जाते हो ना इतनी ज्योति निकलती है इस तेज शेतल, ये सुखकारी तेज शीतल ये शीतल इनसे निकलने वाला प्रकाश है सुखकारी होता है शीतल होता है इस शिफत न कही जाए उसकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते उसका प्रशंसा कितने करे अजब रंग आसमानी का जुड़ी जामे मेरी चादर तो अब यहाँ कहते हैं देखो जामे के ऊपर में चादर उन्होंने जामे पर चादर रंग आसमानी बोलते है ना तो वो चादर है तो वो कैसी है तो अजब रंग आसमानी का आसमानी रंग का वो अजीब प्रकार का विभिन्न प्रकार का लगता है मतलब आश्चर्यजनक बड़ा सुंदर जुड़ी माए जामे ही चादर तो जामे के साथ में ऐसी जुड़ी हुई उसके ऊपर में ये चादर है ए भूषण बेला कटाव जामे जामा के जितने भी वो रत्न वो उसमें भूषण है कि बाजूबंद वगैरह हैं तो उसमें और जो जितने भरत काम है तो ये आवत माये नज़र उसके ऊपर दिखाई देते हैं तो चादर के ऊपर से हाँ लाल नीले पीले रंग का इस शोभे छेड़ों बीच किनार तो किनारे में लाल रंग के नीले पीले अलग अलग रंग के तो उसके रत्न जड़े हुए हैं जा में चादर मिल रही लेरी आवत किरण अपार तो चादर है वो जामे के साथ में मिली हुई हो ना ऐसा लगता है और उससे अपार किरण निकलती है गहरा रंग जो केशरी ले तदाव झाई इजार तो अब वह इजार है वो पायजामा तो केशरिया रंग का है तो वो इस वो जामे के ऊपर में तो उसकी झाई तो उसकी आभा झलकती है श्त केसरी दो रंग के शोभा होता सुखकार तो सफ़ेद रंग का जामा है और नीचे से केसरी रंग थोड़ी थोड़ी उसकी आभा आती है तो बड़ा सुंदर लगता है नेफे मोहरे चीन के बेल बनी मोती नंग उसका मोहरा तो जिसमें ने, नेफा तो उस, उसका उस उसका मोहरा किनार है तो वो चीन का रेशमी का है बेल बनी मोती नंग तो इसमें मोती वगैरह रत्न जड़े हुए हैं ऐसे वो बेल है मतलब वो इजार बंद तो वो उस प्रकार का है लाल नीली पीली चूनिया शोभिता कंचन रंग तो उसमें लाल नीली पीली, पीली ऐसे अलग अलग प्रकार के उसमें रंग के वो वो दोरी है शोभित कंचन रंग रंग और वो कंचन उसमें कंचन के साथ में सोने के तार के साथ में वो अलग अलग रंग के ये भी बड़े सुशोभित है सोने के जरी के साथ में कई रंग इजार बंध में ऐसे इजार बंध में अनेक रंग है अनेक विध के नंग और उसमें रत्न भी अलग अलग प्रकार के हैं सारी उम्र वर्णन करो तो होए न स्वप्न के अंग स्वप्न के शरीर से अथवा स्वप्न के शरीर के अंग से जीवा से सारी उम्र बात करें तो भी वर्णन नहीं हो सकता एक एक रंग नाम लेता हूँ रंग रंग में रंग अनेक है। एक एक रंग की बात तो मैं नाम तो जरूर ले रहा हूँ किंतु एक रंग में भी अनेक रंग हैं एक ही इजार बंध में क्यों कहूँ रंग नंग विवेक एक इजार बंध में भी अलग अलग प्रकार के रंग हैं और अलग अलग प्रकार के रत्न हैं इसका कितना वर्णन करें ऐसा करके बता रहे हैं अब आगे दूसरा वर्णन आएगा इसलिए अभी यहीं पर रखते हैं श्री कृष्ण कन्हैया लाल की ये क्यों रंग विवेक क्यों कहूँ रंग नंग विवेक एक एक रंग नाम लेते हूँ एक, एक, रंग रंग में रंग अनेक एक जा में, एक में क्यों कहो रंग नंग विवेक क्यों का रंग नंग विवेक